दोस्तों, आज हम देखेंगे जो कारबेरी की वाइब्रेशन प्लेट है वो इस गाड़ी के अंदर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वाइब्रेशन रिड्यूस हुआ है या नहीं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गाड़ी के अंदर कैसे पहचाने कि वाइब्रेशन ख़त्म हुआ नहीं हुआ। तो इसके अंदर मिरर वाल लगे हैं शीशे, और अभी हम स्टार्ट करेंगे और देखिए वाइब्रेशन शीशों में कितना ज़्यादा वाइब्रेशन है। एक बार यहाँ नज़दीक से थोड़ा नज़दीक से आगे आप ये वाइब्रेशन देख सकते हैं। थोड़ा इधर से यहाँ पे आप वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो अब मैं इसका खोलूँगा RH कवर और वो वाइब्रेशन रिड्यूस प्लेट को लगाऊंगा और देखेंगे कि वो सही तरीका कौन सा है, क्योंकि मेरी कारबेरी वालों से बात होती कि सिर्फ एक मिस्टेक और प्लेट काम ही नहीं करेगी आपकी। तो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि मतलब आप जब कहीं भी लगवाएं तो वो छोटी सी मिस्टेक जो है वो नहीं कर पाएं, क्योंकि कारबेरी वालों ने बनाई वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनाई, बट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बोल के सब टाइटल दिए हैं उन्होंने, सब टाइटल में इंसान नहीं समझ पा रहा है। तो मैं आपको वो पॉइंट बताऊँगा, मेन पॉइंट जहाँ पर वो प्लेट को लगाना है और क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो सबसे पहले क्लच कवर खोल RH कवर खोल लेता हूँ। RH कवर खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, इसके पीछे कई सारे वीडियो हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। Strangers, believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, neath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my bite. I'm alone. I'm alone. I'm a lone wolf. 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 I'm a shadows and the corners of your mind. I go with the windows. I run but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering the name. No, I can't be tamed. My heart belongs. तो फाइनली दोस्तों टाइम आ चुका है बिल्कुल डिटेल में बात करने का। तो सबसे पहले जब हम प्लेट बाहर निकाल लेते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमारे यहाँ पर दो डावल रहती हैं, इस डावल को बाहर निकाल देना है। ये डावल होती है, ये डावल नहीं लगेगी, एक यहाँ पर होती है और दूसरी यहाँ पर होती है, ये दोनों डावल को बाहर निकाल देना है। इसके बाद क्या करना है, ये कारबेरी की वो प्लेट रही जिसको हम लगाएंगे, ये वो प्लेट है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैकेनिकों के लिए, आप मैकेनिक को बता सकते हैं, जो मेथड मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे फिट करना है। इसको बाहर निकाल लें, अब ये है हमारी वो प्लेट, ठीक है। तो ये वो प्लेट है, ये प्लेट को फिट करने से पहले हमें इसको लगाना है, और इसको किस तरह लगाना है, इसका ये जो कोन है, इसके अंदर जो कोन है इसको बाहर साइड में रखना है, और इसको सिर्फ ऐसे रख देना नहीं है, इसको हल्का सा पुश करना है अंदर की साइड को, और ठोकना भी नहीं है। अगर इसको ठोकते हैं
तो आउट हो जाएगा इसको। मतलब इवन मैं बताता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। तो गाइस मैं उससे पहले आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि ये लगाने की मेन ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो काफ़ी लंबी होती है और यहाँ पर हमारा मैग्नेट टाइट होता है, और जब गाड़ी हमारी हाई आरपीएम पे घूमता है इंजन, तो ये वाइब्रेशन पैदा होता है यहाँ पर, और वो जो यहाँ का वाइब्रेशन होता है वो पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन पैदा करता है। तो यहाँ पे क्या करा है कि जो क्रैंक के अंदर साइड में जो बैरिंग होता है, निडल बैरिंग बोलते हैं, और वो कुछ इस टाइप का रहता है जो क्रैंक शाफ्ट में लगता है। इधर साइड में सिंगल एक बैरिंग होता है और इसके दूसरी साइड में दो बैरिंग होते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो शाफ्ट के साथ जो बैरिंग है ये प्लेट के साथ, ये इसको यहाँ पे सपोर्ट करके रखेगा, इस तरीके से सपोर्ट देगा इसको। तो क्या हो गया, इधर डबल बैरिंग हो गए। डबल बैरिंग होने से फ़ायदा क्या हुआ कि वो कंपन जो है, कंपन 75% या 85% तक का मैं कहूँगा ख़त्म हो जाएगा। कारवेरी वालों का ऐसा दावा है, कहना है कि इतना ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए इस बैरिंग को यहाँ पर लगाया जा रहा है। और इसको आप सिंपल ऐसे रखें नहीं, इसको हल्का सा पुश कर देना है, मतलब किसी चीज़ से ठोकना भी नहीं है। इवन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। इस टाइप का कोई पीस लेना है और हल्के हाथ से यहाँ पे लगाना है, और ऐसे एक हाथ लगा देना है जिससे कि ये हिले ना अपनी जगह पे, क्योंकि अगर ये हिलेगी तो वो काम ही नहीं कर पाएगी, वाइब्रेशन रिड्यूस कर ही नहीं पाएगी, इसलिए ये इसके अंदर टाइट होना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं बता देता हूँ कि जो हमने ये निकाले हैं ना, ये डावल क्यों निकाले हैं। अगर ये डावल लगे रहते हैं तो काम ही नहीं कर पाता। अब ये क्या करेगा, इसके हिसाब से जो गाड़ी का क्रैंक है, क्रैंक के हिसाब से इसको अपने ऑटोमेटिक इसको सेट कर देगा। शायद आप समझ पा रहे नहीं मेरा कहने का मतलब जो है, अब हम यहाँ टाइट कर देंगे, हल्के हल्के इसको टाइट कर देना है, और जो क्रैंक है ये अपने हिसाब से ऑटोमेटिक बिल्कुल अपनी जगह पे सेट कर देगा। अगर हम इसको पहले से ही सेट कर देते हैं तो कंपन और ज़्यादा पैदा हो जाएगा, मतलब वो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा ये प्लेट को डालने का, तो इसलिए ये डावल नहीं लगानी है। और इससे पहले इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा देता हूँ, जो इसका बैरिंग है इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा देते हैं हम, जिससे कि ख़राब ना हो या सूखा ना चले, क्योंकि यहाँ पे तेल जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक राउंड तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए हम पहले से तेल लगा देते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल साफ तेल, अच्छा सा तेल जो आपका बिल्कुल क्लियर तेल हो, उसको लगा लें अच्छे से, और इसको राउंड ले लें इस तरीके से जो पूरे बैरिंग में घूम जाए। और ये वाशर लगाना ना भूलें, वाशर लगाना बहुत ज़रूरी है, ये वाले वाशर लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ये प्लेट को लगा दें, और इसके बाद इसके नट बोल्ट टाइट करने हैं। और टाइट करते समय ध्यान रखें, ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही टाइट कर दें हपक के एक बोल्ट को, तीनों बोल्ट को बिल्कुल आराम आराम से टाइट करें, मतलब जिससे कि प्लेट पूरा बिल्कुल फिक्स बैठ सके अपनी जगह पे। तो बिल्कुल इजी आराम से हल्के हल्के तीनों को टाइट करें। इस तरह से, जिससे कि प्लेट अपनी जगह पूरी ले सके, और वो क्रैंक पे तभी काम करेगी। अगर हम सबको एक साथ टाइट कर देते हैं तो काम नहीं कर पाएगी। अभी रह गया एक स्प्रिंग का काम, कि ये स्प्रिंग को कैसे फिट करना है। अभी देखिए इसको हल्के हल्के टाइट करना है, इस तरह से। अब ये टाइट हो गया है, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसका स्प्रिंग है उसको लगा देना है। तो जब ये फिट हो जाएगा, अच्छे से टाइट हो जाएगा, इसके बाद रहा है ये स्प्रिंग का काम। इस स्प्रिंग को आराम से कुछ नहीं करना है, इसी यहाँ पे रख देना है। अब ये स्प्रिंग क्यों रखा गया है, कि ये हल्का सा यहाँ पे पुश करके रखेगा, जो अंदर का ये कोन है ना, इसको यहाँ पे हल्का सा अपनी पोजीशन पे एक्यूरेट रखेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो कोन ढीली होकर बाहर को निकल सकती है,
और इसको लगा दें, इसके बाद इसका मैग्नेट फिट कर दें। शायद कार्टर गिर गई, देख सकते हैं आप। दोबारा से कार्टर को लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा स्प्रिंग को हाथ से अंदर दबाते हैं। और ये बैठ गई। अब देखिए इसके अंदर थोड़ी सी दिख रहा है ना आपको कि ये स्प्रिंग को दबा के रख रहा है, जिससे वो कोन बाहर नहीं आएगी। और इसके बाद इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के लिए हम लेते हैं थर्मोस का पाना या चाबी ले लेते हैं। इसके बाद एक हाथ से यहाँ पे आप इसको दबा के रख सकते हैं और इसको टाइट करें। और अब ये घूमने लगा। अब इसको रोकने के लिए मेरे पास, आप इसको यहाँ पर आपके पास जैक होगा, जैक लगा के टाइट कर सकते हैं। इसका पुलर आता है मतलब रोकने वाला, उससे टाइट कर लें और पूरा अच्छे से टाइट कर लें। मैंने टाइट कर दिया बिल्कुल अच्छे से। अब काम रह गया इसका कवर लगाना। I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a फाइनली काम हो चुका है। ये मेरे पास कारवेरी का डब्बा है और मैंने एक बार पहले से स्टार्ट करके मैंने सब पहले एक बार खुद महसूस कर लूँ कि इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं होता है। और रियली में मतलब कमाल का, मैं यही कहूँगा कमाल का है। और इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आपको जो है ये डावल हमेशा याद रखना है, ये डावल जब तक नहीं निकालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डावल निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये इसकी पुरानी प्लेट है। अब मैं आपको एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने गाड़ी को खोलने से पहले एक चीज़ नोटिस करी थी ना कि हैंडल बार और मिरर और ये लीवर कितना हिल रहा था। अब देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, पहले एक बार गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। देखिए अभी मतलब यहाँ पर हाथ लगा के जो खुद का एक फील था ना महसूस हो रहा था, इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब हम बात करेंगे देखिए शीशे की, मैं ज़रा नज़दीक से आगे लिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ नज़दीक से कि पहले कितने ज़्यादा वाइब्रेशन था। और देखिए अभी कोई वाइब्रेशन है ही नहीं। तो मेरी तरफ से काफ़ी बड़ा थम्सअप है। और मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल बेझिझक डाल सकते हैं। 3000 रुपये की बात जहाँ तक का है, थोड़ा सा इसका जो अमाउंट 3000 रुपये का है ये थोड़ा सा महंगा है। थोड़ा सा अगर नीचे डाउन होता है तो मतलब डायरेक्टली मैं कारवेरी वालों से बात कर रहा हूँ कि अगर इसका प्राइस थोड़ा सा डाउन रहता तो काफ़ी अच्छा रेट है। और रिस्पांस मैं खुद कहता कि हर एक बंदे को लेनी चाहिए अगर रेट थोड़ा सा डाउन होता है तो। और जहाँ तक का डालने के बाद इम्प्रूवमेंट की बात है, 100% इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी है, मैं इसको एक दो दिन और चलाऊँगा और मैं आने वाले टाइम में इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो और बना दूंगा कि मैंने एक दो दिन चलाई। मैं इसको अपने पास रखूंगा, एक दो दिन और चलाऊंगा और आपको बिल्कुल जो भी मेरा फाइनल डिसीजन है मैं आपको एक दो दिन में बताऊंगा। तो अगर आपको ये बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करिए प्लीज़, कर लो ना फॉलो। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो कि किसी और की मदद हो सके, किसी को नए बंदे को सीखने के लिए कुछ मिले। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मैं इंतज़ार करूँगा, ज़रूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।